और उस कंपाउंड में छुपी है इस वक्त सर्वर की सबसे लीथल टीम, टीम TSM एंटिटी। क्लच गॉड, जी गॉड, नियो बचे हैं। जोनाथन थोड़ा सा पीछे, इन्होंने अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड दिस इज अ फाइनेस्ट एंड वाइजेस्ट जो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अगर आप एक ही घर में रहते हैं और अगर एक बढ़िया सा नेट आ जाता है सब कुछ बदल जाता है। और इसी के साथ जो टीम INDI है वो एलिमिनेट होती है 5वें अंक पे, और 5 किल्स भी हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये देखिए, चिकन डिनर मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, INDI पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ, बिकॉज उनकी स्टार्ट यही होती है। जोनाथन एक और नॉक दिया, यहाँ पर HB को नॉकआउट किया और स्ट्राइकर ने किल चुरा लिया खत्म करके उनको। सो बनाया खाना किसी और ने, खाया किसी और ने, बट नेवर माइंड, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी TSM को, बिकॉज उनका जो फोकस है वो 20 अंक पर है, वो 20 पॉइंट चाहिए उनको किल्स के साथ, तभी जाकर शुरुआत होगी बिल्कुल जोरदार। लेकिन ये उनको और ज्यादा एंग्री कर सकता है अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर किल चोरी हुआ है, तो ऑब्वियसली वो जाएंगे और फाइट्स लेने के लिए। मिस्टर स्प्रे के लिए, मिस्टर स्प्रे को ये देखना पड़ेगा कब उनके किल्स यहाँ पर चोरी नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने भी किल्स चोरी किए अब तो बस खत्म करने की बारी आ चुकी है। जी गॉड ने काम कर दिया, रोज को सर्कल के अंदर जाना है, थोड़ा सा उन सर्कल के अंदर आने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनके पास फर्स्ट एड्स नहीं बचती है, क्या वो आगे आ पाएंगे? नहीं, प्ले जोन उनको लेकर जाएगा। VSG क्रॉलर्स का खात्मा होता है, चौथी पोजिशन पर तीन टीम्स बचती हैं, देवी और सचिनो, TSM एंटिटी, रेवन और जानमारा। क्या यहां पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में, या फिर इंडियन टीम्स अपना डोमिनेशन दिखाएंगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। लेकिन ये तीन टीम्स, आठ लोग, एक चिकन डिनर के लिए इस टाइम फाइट ले रहे हैं। एक एयर ड्रॉप भी इनके पास आ चुका है, लेकिन एयर ड्रॉप से इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा इनके लिए उठाना Level 3 हेलमेट और Level 3 वेस्ट, क्योंकि वो आपको बचा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजीज आपके काम में नहीं आ पा रही है उस पर्टिकुलर। लेकिन TSM एंटिटी बहुत प्यारा इनका इस टाइम कंपोजर है, दो प्लेयर्स एक घर में, दो प्लेयर्स दूसरे घर में, मेरे को लगता है चिकन डिनर शायद और शायद इनका हो सकता है। TPP की गेम के अंदर ये रूल होता है कि अगर आप पे थोड़ा सा भी किस्मत मेहरबान रहा और आपने उस किस्मत का फायदा उठाया, देन चिकन डिनर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। सर्कल उनके फेवर में कट रहा है, वो किल जो किल डिपार्टमेंट में उसमें बिल्कुल भी हारने का नाम नहीं ले रहे, तो चिकन डिनर भी मेरे हिसाब से हाई चांसेस है कि इस वक्त TSM के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार प्लेयर जिंदा है, यहाँ पर अकेले बचे थे टीम टेमिलास के, उनको इंस्टेंटली क्लोज रेंज में कह के क्लच गॉड ने यूजी से शिकार बनाया, तीसरे अंक पर निकलते हैं यहाँ पर, तीसरे पोजीशन पर टीम टेमिलास, बट पॉइंट अपनी टीम के काफी अच्छे इकट्ठे करके जा चुके हैं। अब जो असली जंग है, इट्स बिटवीन TSM वर्सेस टीम जानमारा, एक नेपाली टीम वर्सेस इंडियन प्राइड, देखते हैं क्या होगा। बिकॉज अभी तक ट्रस्ट में मैं यही सोच रहा था कि भाई नेपाली टीम को मैं अभी अंडररेटेड समझ रहा था, बिकॉज इनके सामने क्या करेंगे, बट यस दे हैव प्रूवन देमसेल्फ कि भाई हमको आप कुछ किल एक है डजंट मैटर, बट वो टॉप टू में खड़ी, अगर उन्होंने एक क्लच निकाल लिया देन दे विल बी अर्निंग सम ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम दिस क्राउड। और निकालना शुरू कर चुके, आप देख सकते हो गनर ने वहां पर जी गॉड को डाउन कर दिया, उनको लेकर आ चुके 3v3 की फाइट में, जो पहले 3v4 की फाइट थी। अब गनर को देखना पड़ेगा या तो वो किल को कंफर्म करें या फिर वो किसी तरीके से रश इन करें, लेकिन रश इन करेंगे उस घर में तो सिर्फ क्लच गॉड से उनकी फाइट होगी, दूसरी साइड नियो और जोनाथन हो सकते हैं। सर्कल में टीम्स हैं, सर्कल में फाइट है, एक्सट्रीम बाहर की तरफ आते हैं एंड गनर को डाउन किया यहां पर नियो ने, और वैसे दूसरी साइड से जोनाथन ने गनर को पूरा फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से अब नंबर्स गेम में, नंबर्स एडवांटेज में वापस से TSM आती हुई, क्लच गॉड आगे मूव कर रहे हैं, एक्सट्रीम एकदम उनके सामने आ चुके हैं, एक्सट्रीम को थोड़े से शॉट्स दिए गए, जंप शॉट्स आते हुए, एक्सट्रीम अगर खत्म होते हैं तो पूरी की पूरी गेम यहां पर TSM एंटिटी के पास आ सकती है। लेकिन क्लच गॉड को डाउन किया, एक्सट्रीम भी डाउन होते हैं, सोनिम ग्रोजा 40 गोलियां इस ग्रोजा की, पूरा गेम या तो बदल सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अब सोनिम को देखना पड़ेगा कैसे वो इस कोल्ड वॉर को पूरा एक हॉट वॉर में चेंज करते हैं। बहुत ही बुरी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं इमेजिन करे तो बेटर रहेगा। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, सामने चार शैतान है जो बस अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो किसी दिन भी रश करेंगे, उन्होंने रश इन कर लिया और आखिरी में जैन मारा पे करेंगे और दे वॉन्टेड टू डू पैन, दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू, बट यस।